वेलकम दोस्तों, आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटेलेक्शन में। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक का नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। वैसे आपको तो पता ही है कि ये जो टॉपिक है इसके बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, तो चलिए जानते हैं कि ये है क्या। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया है। दोस्तों, जनरली जो मिसाइल्स होती है वो बैलिस्टिक ट्रेजरी टेक्निक पर बेस होती है, यानी मिसाइल्स के रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और काउंटर अटैक भी किया जा सकता है। लेकिन अभी हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हाइपरसोनिक, इस पर क्या होती है कि आप अभी तक तो मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसके रास्ते को ट्रेस कर सके, तो ये इसका एक एडवांटेज है। बैलिस्टिक मिसाइल साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, और इस मिसाइल का यूज़ बॉम्ब को ले जाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसको हम हाइड नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है, जो दुश्मन होते हैं वो अटैक कर सकते हैं, यानी कि दुश्मन इसे इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। चलिए अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डिटेल में जानते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लाने का मतलब ये है कि मिलिट्री और सिटीजन्स को सर्विस देना, उनकी हेल्प करना। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो देश है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाला मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। इसकी स्पीड साउंड स्पीड से 6 गुना ज़्यादा है। साथ ही ये आसमान में 20 सेकेंड में लगभग 32.5 यानी कि 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इस एयरक्राफ्ट का यूज़ क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने के लिए किया जाता है, और ये कम कॉस्ट पर सैटेलाइट को लॉन्च करने में भी सक्षम है। इस प्रोजेक्ट में स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ किया जाता है, तो चलिए देखते हैं कि स्क्रैमजेट इंजन है क्या। इस टेक्निक में न्यूटन थर्ड लॉ का यूज़ होता है। इसका मतलब ये कि रॉकेट में अंदर जब फ्यूल को जलाया जाता है और उसकी गैस बाहर निकलती है, तब इसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी रॉकेट को एक तेज धक्का लगता है जो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। स्क्रैमजेट टेक्निक का यूज़ जो है वो मिसाइल्स और रॉकेट दोनों पर किया जाता है, और किसी भी मिसाइल्स में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला है स्पीड, दूसरा है फ्यूल बर्निंग टाइम, और तीसरा है टारगेट पर पहुंचना। दोस्तों, ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इसकी जो स्पीड होती है वो साउंड से भी 6 गुना ज़्यादा होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कोई जो रॉकेट है या कोई जो मिसाइल है आपके सर के ऊपर है। मतलब आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो आप देख सकते हैं, मतलब उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, पर वो करती है। तो सोचिए इसका कितना ज़्यादा एडवांटेज होगा अगर इन फ्यूचर कभी कोई वॉर होता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो हाइपरसोनिक व्हीकल है ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी ताकत बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर में ये जो वीडियो है ये ज़रूर समझ आया होगा, क्योंकि अभी इसका काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है, लोगों के इसके बारे में नॉलेज भी कम है, तो सभी जानना चाहते हैं कि ये है क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।